कि ये अमाइंस हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, और प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइंस का इंट्रोडक्शन किया था, अमाइंस क्या होते हैं। तो अमाइंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन भी सीखा था और उसके टाइप सीखे थे, है ना, क्लासिफिकेशन और टाइप सीखे थे। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, तीन तरह के अमाइंस हमने कल सीख लिए थे। अगर मान लो कि वो एलिफैटिक अमाइन है और एरोमेटिक अमाइन, दोनों में डिफरेंस जानते हो ना आप लोग? एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में थोड़ा डिफरेंस और समझेंगे और फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? शुड आई? तो देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं कि सर ये एलिफैटिक अमाइन में और एरोमेटिक अमाइन में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज जान लेते हैं बेटा। तो देखो बेटा, सभी को पता होगा कि अगर हम यहाँ पे अमाइंस की बात करते हैं, है ना बेटा, किसकी बात करते हैं बच्चों? अमाइंस की, ठीक है? तो अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो सर कल हमने सीखा था कि अमाइन के टाइप तो हमने कल सीख लिए थे, लेकिन आज टाइप के साथ साथ हमें यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन करने होंगे, क्योंकि आपकी शीट में भी क्वेश्चन है, मैंने सेट किए हैं क्वेश्चन, और पी वाई क्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के। तो अमाइंस को फिर से दो कैटेगरी में और डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो एक कैटेगरी है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे एलिफैटिक अमाइन, है ना बेटा। पहला जो एक अमाइन होगा दैट इज द एलिफैटिक अमाइन, एक तो यहाँ पे एलिफैटिक अमाइन होगा, और दूसरा वाला जो अमाइन होगा बेटा वो होगा एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, है ना बेटा, एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन। अब एलिफैटिक अमाइन में और एरोमेटिक अमाइन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर एलिफैटिक अमाइन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन की चेन जो होती है वो एक एलिफैटिक चेन होती है, और अमाइन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा। तो जो R NH2 जो होते हैं, जहाँ पे R कार्बन की एक ओपन चेन होती है, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ओपन चेन हो कार्बन की, तो वो क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक अमाइन्स। और अगर वो एरोमेटिक अमाइन है तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एरोमेटिक अमाइन में R के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? C6H5 क्या हो जाता है, और C6H5 क्या होता है बच्चों? बेंजीन की रिंग होती है। तो अगर मान लो कि बेंजीन की इस तरह से रिंग हो और बेंजीन की रिंग के साथ अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये वाली जो अमाइन है वो क्या कहलाएगा बच्चों? एरोमेटिक अमाइन। और इस एरोमेटिक अमाइन का जो नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन ट्रेंडिंग करेगा, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब तक जिस बच्चे को डीप नॉलेज नहीं होगी तो उसका आंसर ही नहीं कर पाएगा वो। तो ये हो गया एरोमेटिक अमाइन। एलिफैटिक अमाइन के तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने कल सीखे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने सीखा था CH3NH2, और ये क्या होता है बच्चों? मिथाइल अमाइन। और हमने क्या सीखा था? CH3CH2NH2, ये क्या होता है बच्चों? इथाइल अमाइन होता है। उसके बाद हमने सीखा था CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे NH, ये क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अमाइन। और ये क्या होता है? CH3 का होल थ्राइस C, ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में करेक्शन है, यहाँ पे होता है CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे CH और एक NH2, ये है आपका आइसोप्रोपाइल अमाइन। और एक होता है बच्चों अपना CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे NH, और एक होता है CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे N। तो ये सारी की सारी जो अमाइन है वो एलिफैटिक अमाइन है, और ये वाली जो अमाइन है वो एरोमेटिक अमाइन, ठीक है? ध्यान दो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या होगा अभी, इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस के बनाने के मेथड। ओके, वहां पे क्या होगा कि मुश्किल से 6-7 मेथड है बस केवल, और 6-7 मेथड ही आपको इतने स्ट्रांगली पढ़ने हैं, क्योंकि एक मेथड ऐसा आता है जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड मेथड। आंसर भी बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को, गैब्रियल थैलामाइड मेथड। जब उस मेथड को अप्लाइड करके आप अमाइंस बनाते हो तो वहां पे एक नोट में लिखवाऊंगा आवश्यक रूप से कि उस मेथड से आप एलिफैटिक अमाइन तो बना सकते हो लेकिन एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। और आपकी शीट में भी ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के सेट किया है, और कहीं भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग करता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। तो दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड मेथड, आंसर भी आपको बता दिया है। तो जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि एलिफैटिक अमाइन कौन से और एरोमेटिक अमाइन कौन से है, तो आंसर जस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन और आंसर मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन। इफ द कार्बन चेन इज बेंजीन देन द अमाइन इज एरोमेटिक। इफ द कार्बन चेन इज ओपन, है ना, अगर कार्बन चेन ओपन हो तो कैसा होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, सभी को पता है ना? ओके, अभी हम यहाँ पे बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। टॉपिक डाल देंगे सारे स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है? ये है बेटा टॉपिक हमारा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और उसमें भी हमने यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। जनरल मेथड के बाद बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड का नाम, फर्स्ट मेथड तो रहेगा, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, लुक एट द बोर्ड, सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा।
पहले टॉपिक का नाम क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस को कैसे बनाया जाए। फिर उसके अंदर पहले मेथड का जो नाम है वो है हमारा अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल एंड अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स। तो मीन समझो, मीन यहाँ पे ये है कि हमें जो करना है वो क्या करना है बच्चों, अमोनोलाइसिस। एक बहुत टाइम पहले मैं आपको एक अपने सर की एक बात बता रहा हूँ, मेरे प्रिंसिपल सर थे पी वी मिश्रा सर, तो तब हम लोग लाइक आपसे बहुत जूनियर थे, मतलब लाइक छोटी छोटी क्लासों में थे, तो उनकी एक आइडेंटिटी थी कि वो डेली पर डे असेंबली होने के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करते थे। तो उन्होंने एग्जाम टाइम पे एक बात कही थी जो शायद आज भी देखो मेरे माइंड पे पूरी तरह पड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं हकीकत बात है, और वो ये है, सर का कहना ये था कि जब भी आप किसी भी एग्जाम पेपर में या टेस्ट पेपर में बैठे तो सबसे पहले ध्यान रखो कि जब सामने क्वेश्चन दिया जाता है ये चीज आपको आगे जाके तो मालूम हो जाएगी, बिकॉज यू आर चाइल्ड नाउ, सो आप इस चीज को कभी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। वो ये होता है, सर का कहना यह सटीक था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, आधा आंसर उसी क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। यानी कि अगर आप किसी, जैसे कि अगर आपको याद हो आपने भी स्कूलिंग की है, अभी भी कर रहे हो स्कूलिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद करते थे, तो आपको याद होगा कि जब आप आंसर याद करते थे तो आधा मैडम कहती थी क्वेश्चन से ले लो और फिर बिकॉज करके इतना और लिख दो। तो आप जब याद करते तो आपको टेक्निक आपने ये फॉलो की थी कि आधा जो है क्वेश्चन से ले लो और बिकॉज के बाद फिर यहाँ से याद कर लो, ऐसे ही होता था, बिकॉज देन है ना आफ्टर, कितने याद करते थे ना। तो वो ट्रिक आप लोग क्यों भूल गए, वही ट्रिक बेटा आज भी फॉलो होती है। तो अगर हम कुछ भी यहाँ पे करने जाते हैं तो चाहे वो अपना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, आधे से ज़्यादा चीज़ें यानी कि आंसर जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी है अमाइंस को बनाने के लिए, तो मुझे सारी चीज़ें इस हेडिंग के अंदर दे रखी हैं और यही आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे एक शब्द दिखा अमोनोलाइसिस। अब अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अमोनोलाइसिस का मतलब होता है टू ट्रीट विद अमोनिया, है ना। अमोनोलाइसिस का हर एक बच्चे को मतलब पता होना चाहिए, अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, टू ट्रीट विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। अब ये देखो कि अमोनोलाइसिस करना किसका है, तो हमने आगे पढ़ा तो हमें पढ़ने को मिला कि हमें अमोनोलाइसिस किसका करना है बच्चों, अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो वो क्या होता है RX, और साथ ही साथ एंड लिखा है ना एंड, और किसका करना है अल्कोहल का, या अल्कोहल क्या होता है ROH। तो मेथड तो समझ में आ गया कि जो इक्वेशन लिखनी है उसमें अमोनिया की रिएक्शन या तो अल्काइल हैलाइड से करेंगे और या फिर किससे करेंगे, अल्कोहल से करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, टू ट्रीट विद अमोनिया, यानी कि केमिस्ट, आगे जाकर के अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो यू विल बी कॉल्ड केमिस्ट, आपको केमिस्ट कहा जाएगा। तो यानी कि केमिस्ट का दिमाग हमेशा ऐसे चलता है कि ये हर एक चीज का एक मेन मीन उसको आना चाहिए, वर्ड मीनिंग जो होता है। तो अमोनोलाइसिस का मतलब जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, डिहाइड्रेशन है, वैसे ही अमोनोलाइसिस का मतलब होता है टू ट्रीट विद अमोनिया, और अमोनिया की ट्रीटमेंट किससे करवानी है, एक बार ही करवानी है अल्काइल हैलाइड से, फिर करवानी किससे, अल्कोहल से। अब उसके अंदर आते हैं, इसके फर्स्ट मेथड के अंदर ही पार्ट वन आता है। पार्ट वन अगर आप देखोगे तो पार्ट वन में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, पार्ट वन है फ्रॉम द अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसने हमने एक नाम दिया है, ये नाम मैंने CBSE के PYQ से लिया है, हाफमान अमोनोलाइसिस। यानी कि मैंने एक मेथड में देखा था जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें लिखा था कि हाउ विल यू ब्रिंग अमाइंस बाय द हाफमान्स अमोनोलाइसिस, यानी कि आप अमाइंस को कैसे बनाओगे हाफमान अमोनोलाइसिस के द्वारा। तो आप क्या है कि बच्चा हाफमान, कई सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए, जरा बताओ हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी हाफमान की, कौन सी रिएक्शन होती है जरा बताओ, हाफमान का हमने फिर रूल सीखा है, हाफमान रूल सीखा है ना, एल्कीन का है ना, एल्कीन का एलिमिनेशन रूल जब सिखाया था तो हाफमान रूल सिखाया था, है ना। और यहाँ पे चैप्टर में हाफमान ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, आप इनकी एक बहुत ही सुपर से भी ऊपर रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है वो सीखने वाले हो, जिसे बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हाफमान ब्रोमाइड अलग रिएक्शन होती है और हाफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन अलग होती है। तो हाफमान ने रिएक्शन परफॉर्म किया, क्या करना है जरा बताओ, अमोनोलाइसिस करना है, किसके साथ करना है। आप देखो, अब अगर हम अल्काइल से करेंगे तो क्या होगा वो देखो जरा, सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या होने वाला है। तो हमने स्टार्ट किया भाई, किससे स्टार्ट किया, अमोनिया से किया, तो हम यहाँ पे लेंगे अमोनिया और लेंगे अल्काइल हैलाइड। तो हमने सपोज दैट यहाँ पे अमोनिया ले लिया, ये हो गया अपना अमोनिया, और प्लस करके यहाँ पे लेना है बच्चों आपको अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों, RX, ठीक है। जब भी हाफमान अमोनोलाइसिस होता है प्यारे बच्चों, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को आपको लेना होता है एक्सेस में, यानी कि अधिक मात्रा में आपको इसे लेना होता है, ठीक है। अब देखो, इतने टाइम से रिएक्शन पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगी। तो एक बात आपको पता होगा, अमोनिया में आप, मैंने कल भी सिखाया था कि अमोनिया में जब हाइड्रोजन का एटम सब्स्टिट्यूट होता है बाय द अल्काइल ग्रुप, तब जाकर के क्या बनता है, अमाइन,
तो यहाँ पे ये होगा कि नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है ना, वो एक हाइड्रोजन एक्स के साथ ट्रीट करेगा, साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा, एच एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा आर, वो एन के साथ कंपाइल करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आर, और यहाँ पे क्या होगा एन एच टू। अब इतना बनने के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, और वो क्या है वो ध्यान दो बेटा, वो ये है कि अल्काइल हैलाइड को आपने एक्सेस में लिया था, अब एक्सेस में लेने की वजह से ये इस रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन को फिर से करेगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड यहाँ फिर से आ जाएगा। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, प्लस किसका करना भाई, आर एक्स का, आर एक्स यानी कि अल्काइल हैलाइड, फिर से वो वही काम करेगा, क्या करेगा, एक एच ले लेगा और एक्स के साथ कंपाइल कर लेगा, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा एच एक्स, और एक और आर आ जाएगा, तो जब यहाँ पे एक और आर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आर टू एन एच, ये बनेगा आर टू एन एच, ठीक है। अभी एक हाइड्रोजन और है ना, तो अभी रिएक्शन फिर से प्रोसीड होगी, तो रिएक्शन यहाँ जब फिर से प्रोसीड होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमने फिर से एक बार क्या ले लिया बच्चों आर एक्स, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा बच्चों एच एक्स, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आर थ्री एन, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन फिर से हो जाएगी, फिर से। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके पास एच तो पता नहीं है देने के लिए, लेकिन आप ये भी ध्यान रखा करो कि भाई जो नाइट्रोजन है ना वो अमोनियम सॉल्ट भी बनाता है, अमोनियम सॉल्ट, एक अमोनियम आयन का ध्यान रखो, अमोनियम आयन, इसका भी ध्यान रखो बेटा, अमोनियम आयन। नाइट्रोजन के अंदर जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो अमोनियम आयन बनाने का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अमोनियम आयन क्या होता है, अमोनियम आयन होता है बेटा NH4 पॉजिटिव, क्या होता है, वैसे तो जनरली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है तो वो उसे भी डोनेट करके एक एक्स्ट्रा वैलेंसी बना लेता है। तो यहाँ पे NH4 की बात करेंगे तो NH4 पॉजिटिव ऐसा होता है कि नाइट्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन के एटम जुड़ सकते हैं और क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है ना, यानी कि ये होता है अमोनियम आयन। और ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं किसके द्वारा, अल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं बच्चों, 4, तो यहाँ पे चार अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं और इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं R4N पॉजिटिव, यानी कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, ये वाला आयन, दिस इज अ टेट्रा अल्काइल, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, इसका नाम बेटा ध्यान रखो आप लोग, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ आ जाओ, अभी यहाँ पे मैंने एक बार रिएक्शन करने के लिए और कहा था, तो अभी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फिर से यहाँ पे ट्रीट करने के लिए आएगा, बट इसका साइड कंपाउंड नहीं रिलीज होगा, ये वाला आर फिर से नाइट्रोजन के पास जाएगा और क्या बनाएगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, और एक्स उसके साथ नेगेटिव फॉर्म में जुड़ जाएगा, जैसे कि NaCl में होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसी प्रकार से यहाँ पे एक बनेगा R4N पॉजिटिव और क्या बनेगा बेटा X नेगेटिव, ये कंपाउंड बनेगा। सो दिस इज द टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो इस तरह से यहाँ पे अमाइन बनती हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो क्या देखोगे, ये जो कंपाउंड यहाँ बन गया है, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कंपाउंड यहाँ पे जो बन गया है बेटा, वो क्या था, वो था आपका प्राइमरी अमाइन, है ना बेटा, ये वाला क्या है जरा बताओ, सर ये प्राइमरी अमाइन है, और आगे जब देखोगे तो ये कौन सा बेटा हमारे पास, ये सेकेंडरी अमाइन है, और आगे देखोगे तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये टर्चरी अमाइन है, और ये क्या है बेटा, ये अमाइन तो है नहीं है, ये है टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, तो ये है बेटा हमारे पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट, अमोनियम हैलाइड सॉल्ट, ये बन गया था। अब एक बड़ी बात सोचने की है कि यहाँ पे मुझे कोई, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर अमाइन बनाना है, और अमाइन बनाने के लिए अगर आपने ये मेथड यूज किया तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे अमाइंस, एक कोई भी पर्टिकुलर अमाइन, यानी कि एक अमाइन नहीं बनती है, डिफरेंट अमाइंस का मिक्सचर बन जाता है, और डिफरेंट अमाइंस के मिक्सचर बनने की वजह से ये जो मेथड है वो अमाइन बनाने के लिए एक सूटेबल मेथड नहीं है, मेथड तो है बट सूटेबल मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है, पता है क्यों, पहले अमाइन बनाओ और फिर उनको सेपरेट करो, भाई पहले तो अमाइन बनाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, उनको अलग अलग करना पड़ेगा बाय द डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन करके फिर उनको अलग अलग करो, तो यही चीज हमको नहीं करनी है, उसे हमें बचना है, सो दैट हम क्या करते हैं इस मेथड को अवॉइड करते हैं, क्या करने के लिए, जब भी आपको अमाइन बनाना हो उसके लिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नोट्स लिखना कंपलसरी है, एग्जाम्पल जब लिखोगे तो बस उस एग्जाम्पल में क्या करना है, आर की जगह जो भी आपको अमाइन बनाना है वही यहाँ पे कार्बन की चेन ले लेंगे, तो लिखो जल्दी से फटाफट से, तो यहाँ पे जैसे कि मुझे इथाइल अमाइन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमोनिया लेंगे और अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे इथाइल आयोडाइड से, करा दो सपोज दैट, और इथाइल आयोडाइड को ध्यान रखना है कि इसे यहाँ पे बेटा एक्सेस में लेके चलना है बेटा, एक्सेस में,
एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, अभी जो बताया था क्या होगा, यहाँ का एच यहाँ का आई साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, इथाइल ग्रुप किसका जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे ये हो गया C2H5 यानी कि इथाइल और क्या हो गया NH2, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, इथाइल अमाइन। क्या नाम है बच्चों इसका, इथाइल अमाइन। क्या ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, नहीं सर, ये आगे भी प्रोसीड होगी, जिसमें इथाइल आयोडाइड फिर से एक बार यहाँ पे आ जाएगा C2H5I, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा HI, और यहाँ पे जो अगला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, डाई इथाइल अमाइन यानी कि C2H5 का होल ट्वाइस और यहाँ पे NH। ये कंपाउंड क्या होता है बच्चों, दिस इज डाई इथाइल अमाइन। अभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगी रिएक्शन, फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगी बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे फिर से एक बार क्या करेंगे बच्चों, C2H5I करेंगे, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा HI, और अब की बार जो कंपाउंड बनेगा वो होल थ्राइज बनेगा यानी कि C2H5 होल थ्राइज N, और फिर से जब आगे जाएंगे ऐसा इसका नाम लिखो जरा, इसका नाम है आपका ट्राई इथाइल अमाइन, दिस इज अ ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन यहाँ पे बेटा इसका नाम होगा, और आगे जाएंगे तो फिर से एक बार रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे C2H5I से, तो अब यहाँ पे साइड कंपाउंड नहीं निकलता, 4 टाइम हो जाएगा, तो C2H5 का होल 4 और यहाँ पे N पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये है रिएक्शन। सबको समझ में आ गई वाली रिएक्शन, तो जरा ये लिख लो, फिर मैं एक नोट्स बोलता हूँ, जरा नोट्स लिखे जल्दी से, एक नोट लिखो बेटा इसके बाद, एक नोट लिखना है, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से नोट्स लिखो बेटा, तब भी मल्टीपल, लेकिन अभी तो शार्प शार्प अमाउंट बनेगा, अगर आप इसका कम अमाउंट लेते हो तो या तो रिएक्शन स्लो रेट से होगी या फिर यहाँ पे इनके अमाउंट थोड़े थोड़े बनेंगे, लेकिन बनेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट ही बनेंगे। हो गया स्टूडेंट्स, एक डॉट लिखो बेटा इसके लिए, इस मेथड के डॉट लिखो, the above method of preparation of amine is not suitable because of formation mixture of amines full stop। एक और डॉट लिखो जरा, in this reaction p amine is major product, यहाँ पे p amine जो होती है वो major product होती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा वही बनता है, p amine is major product, क्लियर है ना बेटा। तो ये फर्स्ट मेथड आपका पूरा हो गया, जो आपको क्लियर हो गया, सबको समझ में आएगा नहीं आप बताओ जरा, बहुत इजी मेथड था ना। चलो अब देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का क्या कर चुके हैं बच्चों, अमोनोलाइसिस, अभी आपको क्या करना पड़ेगा एल्कोहल्स का। अच्छा एक चीज और कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं तो मुझे माइंड में आ रहा है, वो भी एक डॉट लिख लीजिए, एक डॉट जरा और लिखो जरा, the mixture of different amines can be distinguished by distillation method, Hinsberg test of amines, etc. ये 12th का वो टॉपिक है जिसके बिना पेपर बनेगा नहीं, ये पढ़ाएंगे टेस्ट ऑफ, जैसे कि टेस्ट ऑफ एल्कोहल पढ़े थे हमने, याद है कौन से, लुकास टेस्ट है ना, विक्टर मेयर टेस्ट, वैसे ही हिंसवर टेस्ट किसके लिए है, अमाइंस के लिए। तो पहला मेथड पूरा हो चुका है, रिमेनिंग पार्ट क्या है जरा बताओ बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है सर, अभी हमने यहाँ पे अमोनोलाइसिस नहीं किया है, किसका, एल्कोहल का अमोनोलाइसिस नहीं किया, तो अभी हम वो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में डालो, अब सेकंड पार्ट डालो, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल्स, अब एल्कोहल्स का अमोनोलाइसिस करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा एल्कोहल लेना है और क्या लेना है, अमोनिया, सेम तरह से रिएक्शन होगी, तो आप मेरे साथ साथ ही नोट कर लेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमोनिया लेंगे यानी कि NH3, और इसकी रिएक्शन किससे करवाने वाले बेटा, ROH से। ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल्कोहल को एक्सेस में लिया जाएगा। एक्सेस में लेने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि रिएक्शन स्टेप्स में होगी, अलग अलग स्टेप्स में होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सभी को पता है भाई यहाँ पे एल्कोहल क्या शेयर करेगा, OH, तो इस वजह से यहाँ पे साइड कंपाउंड जो रिलीज होगा बेटा वो क्या होगा, H2 होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या बनेगा, RnS2। RnS2 क्या है बच्चों, पी अमाइन, है ना। तो पहली बार यहाँ पे क्या बन के आया, पी अमाइन बन के आया। अब जैसे कि आपको पता है कि एल्कोहल क्योंकि एक्सिस में है तो वो दोबारा से ट्रीट करेगा, तो यहाँ प्लस करके फिर से एल्कोहल ले आओ। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। साइड कंपाउंड क्या रिलीज होता है बच्चों, H2O। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, R2NH, यानी कि सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। सो दिस इज द सेकेंडरी अमाइन बेटा, है ना। ये हो गया बेटा आपका सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्शन फिर से आगे प्रोसीड होगी और एक बार एल्कोहल हम फिर से ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड OH ये हो जाएगा, और यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा, H2O, और यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको R3N, ये मिलेगा, एंड दिस इज अ टी अमाइन। अब यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे सॉल्ट नहीं बन गया था, ऐसा नहीं बनेगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप बना दो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, तो वो नहीं बनेगा यहाँ पे, तो रिएक्शन यहीं तक बनती है। ठीक है, इसके बारे में भी डॉट लिखेंगे, जरा एक डॉट लिखो, जरा इसके लिए भी डॉट लिखो जरा। दी एवव मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दी एवव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दी एवव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दी एवव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस इज नॉट सूटेबल, इज नॉट सूटेबल because of formation of multiple products। यहाँ पे भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, इस वजह से ये भी suitable method नहीं है। Now, तो ध्यान देंगे बेटा about the next method हमारे पास। Next जो method है बेटा, सभी को दिख रहा है क्या करना है भाई, यहाँ पे बताओ जरा, deduction। अब देखो आज जो मैंने आपको DPP दी है, आज ही इस वाले मेथड को, केवल इसी स्लाइड को देखकर ना दो चार क्वेश्चन तो बना ही लोगे आप लोग, और मैं इस मेथड को यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि देखो गिने चुने मेथड है लेकिन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज आप घर पे जाके जब डीपीपी देखना, जरूर जाके देखना, तो आज आपको डीपीपी दी है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के। अब थोड़ा सा रुको जरा, अब क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा क्या करना है। एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे रिडक्शन करना है ना। आप जैसे कि कीप इन माइंड, सभी को पता है कि अगर रिडक्शन करना है तो हमें क्या चीज चाहिए होती है, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें रिडक्शन के लिए चाहिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना बेटा। रिडक्शन के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि यहाँ पे इस स्लाइड पर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं, और अगर आपको बाइफरकेशन नहीं आता कि किस रिएक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो बस हो गया काम खराब, फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओ। यानी कि आपको ये तक पता होना चाहिए कि इस मेथड में ये डलेगा, इस मेथड में ये डलेगा, है ना। तो देखो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो सबसे फेमस वाला जो होता है LiAlH4, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, है ना बेटा। क्या नाम है जरा बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज द सोडियम एल्कोहल। सोडियम एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल लिया जाता है और एल्कोहल में ड्राई सोडियम मेटल डाल दी जाती है, तो ये होता है आपका सोडियम एल्कोहल। ठीक है, सोडियम एल्कोहल अगर आपको बनाना हो लैब में तो कैसे बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 99% प्योर एल्कोहल ले लेते हैं, लेने के बाद सोडियम मेटल निकालते हैं बॉक्स से। आपको ये तो पता होगा कि वो केरोसिन के अंदर डिप करके रखी जाती है फिल्टर पेपर की हेल्प से, उसके ऊपर जो लाइक सोडियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, पहले उस लेयर को हटा लेते हैं और आपको एक शाइनी मेटल दिखती है, उस शाइनी मेटल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा जो है इफरवेसेंस होगा, बुलबुले निकल रहे होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर से, तो समझ जाओ कि जो इफरवेसेंस हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस का है। अब अगर आपको चेक करना ही है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो या तो आप जलता हुआ लाइटर या कैंडल उसके ऊपर ले जाओ, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाओ, तो तेजी से बर्न करना, पॉप साउंड क्रिएट करेगी, पॉप साउंड आ रहा है इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो सोडियम एल्कोहल भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमें आज यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे दैट इज द SnHCl, यानी कि टिन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर SN मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिया जाए तो एक तो हमें ये यूज करनी है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक लास्ट वन इज लाइक आयरन इन HCl, आयरन को HCl के साथ भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो इस स्लाइड के लिए स्पेशल 4 रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करने हैं। इन चारों का अलग अलग बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि किस मेथड के लिए कौन सी रिएक्शन, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, सभी ध्यान दो जरा। पहला जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है दैट इज विद RCONH2। अगर हम RCONH2 की बात करेंगे बेटा, तो हमारे सारे बच्चे जानते होंगे कि RCONH2 जो होता है वो अमाइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये, अमाइड। बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूंगा तो सभी बच्चे जानते हैं कि इन्हें हम लोग बोलते हैं अमाइड, है ना बेटा। और अमाइड के साथ साथ इनका एक नाम और भी है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इन्हें हम लोग बोलते हैं LK नामाइड भी कहते हैं।
ठीक है, तो अमाइड या फिर क्या बोलते हैं भाई, अमाइड तो आधा नाम है, अमाइड आधा नाम है, इनकम्प्लीट है। अमाइड किसको बता रहे हैं, केवल फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है आप, क्योंकि उसके पास आर भी होती है, आर के लिए क्या लगाते हैं, एल्केन लगाते हैं, तो इसलिए इसका पूरा नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केनामाइड। ठीक है, अब इस एल्केनामाइड का क्या करना है, रिडक्शन करना है। एल्केनामाइड में आपको तो पता होगा कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, मैं लिखने वाला हूं अभी, सब देखेंगे सभी ध्यान से। देखो बेटा, एल्केनामाइड को मैंने यहां पे इस तरह से लिखा आर, और यहां पे सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड यहां पे ओ, और यहां पे क्या है बेटा, NH2। हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हमको बताता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन क्योंकि पढ़ लिया है, तो हमें सिखाया गया था कि कार्बोनिल ग्रुप बड़ी ही आसानी से रिड्यूस हो जाता है, बहुत आसानी से। तो इसमें तो कोई भी अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल दोगे तब भी काम चल जाता है, लेकिन हमारे पास तो काफी अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि यहां पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या आप सोडियम एल्कोहल, दोनों में से कुछ भी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहला यहां बताया, यही चीज आपको याद रखनी है कि इस केस में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, अगर ये ना हो तो सोडियम एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH/Na, ये होता है सोडियम एल्कोहल, ठीक है, दोनों डाल दो। ये दोनों ही लोग क्या करेंगे, हमें हाइड्रोजन देंगे, एंड फॉर वॉट, फॉर द रिडक्शन, फॉर वॉट, फॉर द रिडक्शन। और रिडक्शन किसका करना है, कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते कैसे हैं, उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन दे देते हैं। तो यहां पे आप ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये वाला, तो यहां पे इस ऑक्सीजन को हटा देंगे और क्या दे देंगे, इसे हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन दे देंगे तो यहां पे जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा आर और क्या हो जाएगा, CH2, और यहां पे NH2 तो ऑलरेडी यहां पे था। तो कार्बन के पास जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन ले लिया, और लेने के बाद वहां पे वो साइड कंपाउंड क्या बनाएगा बच्चों, पानी, यानी कि H2, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा कार्बन से जब ऑक्सीजन लोगे तो हाइड्रोजन तो देना पड़ेगा ना, और हाइड्रोजन देने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो ये यहाँ पे भाई क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, दिस इज द रिडक्शन। अब ये बताओ कि इस मेथड के द्वारा अगर आप अमाइड लेते हो और अमाइड लेने के बाद अमाइन बना के आते हो, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा बेटा, प्राइमरी अमाइन। क्या बना के लेके आओगे बेटा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन। तो ये भी डिस्टिंग्विशन करना है कि भाई प्राइमरी अमाइन बनेगा या सेकेंडरी, ये भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर फंसना नहीं है चैप्टर में तो बिल्कुल बाइफर्केशन होना चाहिए। इस मेथड से आप केवल प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, ओनली प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो आर कभी भी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो आर आ जाएंगे तो फिर अमाइड ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे एक ही आर पॉसिबल है, तो एक आर के साथ तो प्राइमरी अमाइन ही बनता है। तो इस मेथड से हम लोग क्या बना सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमाइन। समझ गए ना आप लोग, पक्का समझ गए ना। अब आगे चलते हैं इस वाले मेथड को देखो जरा, अगले मेथड में बेटा अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे रिडक्शन करना है, किसका करना है बच्चों, RCN का। किसका करना है बच्चा, RCN का। अब RCN के बारे में लोग क्या जानते हैं, देखो CN ग्रुप जो होता है, CN को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो एक चीज तो हम लोग ये जानते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा इसे, साइनाइड। और साइनाइड के साथ साथ इसका एक नाम और भी होगा, आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग याद करके नाइट्राइल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइल्स। तो CN जो क्या होता है, साइनाइड, या फिर क्या होता है, नाइट्राइल। CN क्या होता है, साइनाइड, या फिर क्या होता है, CN क्या होता है बच्चों, साइनाइड या फिर नाइट्राइल, ठीक है। अब क्योंकि उसके साथ R भी है, तो इस वजह से हम इसका एक नाम और भी कह सकते थे, इन हम लोग बोल सकते थे अल्काइल नाइट्राइल्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि अपने एग्जाम में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि हमें चीजें आती हुई भी नहीं आ पाएंगी। अब जैसे कि लिखा होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो मैंने जिस स्लाइड पे जितनी भी रिएक्शंस लिखी हैं वो मोस्ट ऑफ नेम्ड रिएक्शन है, लेकिन इसका कहीं भी नेम्ड रिएक्शन में नाम नहीं आता, जबकि ये भी अपने आप में नेम्ड रिएक्शन है। तो अगर आप वो नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, इसे बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। तो ये बेसिकली एक नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है ना, मेंडियस रिएक्शन। तो मेंडियस रिएक्शन पहली नेम्ड रिएक्शन है आज की क्लास की। अब मुझे जरा ध्यान दो, जरा एक फोकस करो बेटा, कैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, कितनी आसानी से यहाँ बन के आएगा, वो चीजें सीखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिविजन करना है। देखो बेटा, लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखने वाले हैं सर, यहाँ पे लेंगे अल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। तो हमने RCN ले लिया, और सभी जानते हैं कि RCN कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जानते हैं हम सभी। उसके बाद हमने सीखा था कि सर जब हमें रिएक्शन पढ़ाते थे, सर ने सिखाया था कि CN को सर कैसे डील करते थे, कार्बन को तो क्या पढ़ते थे हम लोग, कानू, और नाइट्रोजन को हम लोग क्या पढ़ते थे, नानू। तो यहाँ पे कानू नानू के नाम से याद रखते हैं, साइनाइड यानी कि नाइट्राइल ग्रुप को याद रखते हैं कि
उस ग्रुप के अंदर दो मेंबर होते हैं, एक होता है कार्बन मीन्स कानू और एक होता है नाइट्रोजन यानी कि नाम। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पे जाता हूँ तो रिडक्शन करवाओ बेटा इसका, तो इसके रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे लिमिटेशन करते हैं, यहाँ इसके रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली यूज करोगे, सोडियम एल्कोहल नहीं यूज कर सकते। सोडियम एल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मीन्स सोडियम एल्कोहल की रिड्यूसिंग पावर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम होती है। इट मीन दैट, अच्छा एक चीज और दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, इनको रिड्यूस कर पाना क्यों आसान होता है, अगर आप केमिस्ट्री का स्पेक्स पहनोगे, चश्मा पहनोगे और आपने जीओसी पढ़ रखी है तो आपको एक चीज दिखेगी, वो क्या होगी कि नाइट्रोजन पर ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सभी को पता है कि नहीं पता जरा बताओ। और अगर नाइट्रोजन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते थे जीओसी में, क्या पढ़ते थे एलपी, एलपी यानी कि लोन पेयर। और ये क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है पाई बॉन्ड। सर ने सिखाया था कि सिग्मा बॉन्ड को गैप की तरह डील करते हैं, तो लोन पेयर और पाई क्या हो गए, कॉन्जुगेशन में आ गए, क्या हो गए, और कॉन्जुगेशन वाला जो सिस्टम जो होता है उसको रिड्यूस कर पाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे चीजों को लिमिटेड कर दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल, और क्या करोगे कानू और नानू को क्या दे दोगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एक बात ध्यान दो जरा, तो हमने पहले क्या किया, एक काम करते हैं, पहले तो एक एक हाइड्रोजन देते हैं फिर दोबारा देते हैं, आपकी मर्जी है, या तो दोनों आप एक ही बार में दे दो या आपकी मर्जी है, पहले एक काम करो, पहले एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को तो ये हो जाएगा सी एच, फिर डबल बॉन्ड एक दे दो नाइट्रोजन को तो ये हो जाएगा एन एच, एक बार फिर से करा दो जरा। तो एक बार यहाँ पे फिर से रिडक्शन करवाएंगे, तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ना लिख करके सिर्फ एच लिख दिया, फिर से एक और दे दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया आर और यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एच टू। बच्चो क्या ये अमाइन है, बताओ जरा, अमाइन है ना, और ये अमाइन किस तरह की अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। तो आप इस मेथड के द्वारा भी प्राइमरी अमाइन बना सकते हो। आपके पास एक चॉइस और है कि बीच वाला स्टेप ना लेकर के आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड मेथड मेंडियस रिएक्शन। आगे आ जाओ बेटा, अब हम बात करते हैं ऑक्साइम की, बात करते हैं ऑक्साइम्स, ठीक है। तो अभी जो रिडक्शन करना है बच्चों वो किसका करना है बच्चों, ऑक्साइम का, किसका करना है बेटा बताओ, ऑक्साइम्स हमें याद होगा थोड़ा बहुत याद है लास्ट चैप्टर का, ऑक्साइम में हमने पढ़ा था कि भाई डबल बॉन्ड कार्बन होता है फिर क्या होता है एनओएच ग्रुप आता है, ऑक्साइम ही तो होता है। तो पहले मैं ऑक्साइम लिख लेता हूं, क्या लिखता हूं बेटा ऑक्साइम, तो पहले मैंने ऑक्साइम लिखे बेटा, इधर देखो स्टूडेंट्स, ऑक्साइम आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एंड सिंगल बॉन्ड ओएच, ये बेटा हमारे पास ऑक्साइम है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड ओएच। ऑक्साइम ग्रुप क्या होता है डबल बॉन्ड एनओएच, क्या होता है, और डबल बॉन्ड एन ओ एच जिसे ऑक्साइम ग्रुप कहते हैं वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये एक तरह का ऑक्साइम है। अब इस ऑक्साइम का मुझे क्या करवाना है, रिडक्शन, क्या करवाना है बेटा, आप यहाँ पे रिडक्शन करवाना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की फिजिबिलिटी है, कौन सा यूज करूं मैं अभी, इन दोनों की बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम और एल्कोहल, बताओ बेटा चॉइस, सोडियम एल्कोहल यूज करेंगे, ये दोनों कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड दिस जो यहाँ पे था वो शायद यहाँ पे भी है क्या, चेक करो जरा, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया एलपी, ये क्या हो गया सिग्मा, और ये क्या हो गया, तो पाई और एलपी क्या हो गया कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन हो गया तो इसे आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो चॉइस यहाँ पे हमारे पास आ गई, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगर ये ना हो तो क्या ले सकते हैं सोडियम एल्कोहल यानी कि C2H5OH/Na, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ये देखो जरा, करना कैसे हो तो देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे जैसे इसे रिड्यूस करोगे तो क्या होगा वो देखो जरा, जब भी हम इसे रिड्यूस करेंगे तो कार्बन को और हाइड्रोजन को क्या मिलने वाले हैं भाई, कार्बन को और हाइड्रोजन को क्या मिलेंगे हाइड्रोजन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे हाइड्रोजन्स मिलेंगे, और साथ ही साथ एक चीज और होगी कि यहाँ पे साइड कंपाउंड वाटर और रिलीज होगा। तो यहाँ पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है भाई H2O यहाँ पे बाहर निकालना है, वैसे थोड़ी देर बाद इसको यूज करेंगे, एक H लेके किसको दे दिया बेटा बताओ जरा OH को, क्या निकाल दिया H2O निकाल दिया, फिर यहाँ पे एक H इसको और एक H नाइट्रोजन को। तो अभी आगे यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा देखो जरा, अगर आप इसे यहाँ करते हो तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनना चाहिए वो क्या बनेगा R, और यहाँ पे कुछ
मैंने मिसिंग किया हुआ है, ऑक्सैम में कार्बन के पास एच बी होना चाहिए ना, एक एच बी हो, क्योंकि बैलेंस वो कम थी ना, फोर नहीं थी बैलेंस, मुझे वो पड़ा हुआ सी एच होगा वहाँ पे। आप देखो जरा, एक इसको दे देंगे एक इसको दे देंगे, तो अभी यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, क्या मिलेगा बताओ जरा, यहाँ पे आर हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा सी एच हो जाएगा, और सॉरी सी एच टू हो जाएगा ना आपको, क्योंकि एक तो ऑलरेडी था, एक और दे दिया आपने उसको, तो सी एच टू हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा एन एच टू, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आएगा, कंपाउंड कौन सा होगा बताओ, अमाइन। और अमाइन को, अमाइन की अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो कौन सा अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन गया, आ गया, ठीक है। अब आ जाओ एनओ टू की बात करेंगे, ये इन सभी में से मोस्ट आस्किंग ये वाला है, ये वाला, ये क्वेश्चन भी है आपके टीपीपी में ये वाला। तो अगला जो हमें रिडक्शन करवाना है, किसका करवाना है बताओ जरा, आर एनओ टू का करवाना है, किसका करवाना है बेटा, आर एनओ टू क्या होते हैं, अल्काइल नाइट्राइट, क्या होते हैं बेटा हमारे पास, अल्काइल नाइट्राइट। तो अल्काइल नाइट्राइट का क्या करवाना है बेटा, रिडक्शन, क्या करवाना है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप में बहुत सारी नाइट्रोजन, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, होती है कि नहीं होती है भाई, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है और एक ऑक्सीजन नेगेटिव बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इतनी सारी ऑक्सीजन चाहिए तो हाइड्रोजन भी तो बहुत सारी चाहिए फिर हमें, है ना। अब अगर हाइड्रोजन बहुत सारी चाहिए तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा बेटा, वो होगा या तो SnHCl होगा या क्या होगा FeHCl। तो यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट या तो Sn plus HCl यूज कीजिए, और अगर ये ना हो तो इसका एक ऑल्टरनेट और भी है, आप यहाँ पे Fe और plus HCl भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों की हाइड्रोजन सप्लाई काफी ज्यादा होती है, पूरी ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लेते हैं, साइड कंपाउंड क्या बनाएंगे, साइड कंपाउंड क्या बनाएंगे, वाटर, कितनी बार, क्योंकि ऑक्सीजन दो बार है यहाँ पे, और फिर इसको दे देंगे नाइट्रोजन को क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एन एच टू, और आर एन एच टू क्या है बेटा बताओ जरा, प्राइमरी अमाइन। तो आपने देखा कि अलग अलग कंपाउंड का रिडक्शन करके हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, अमाइंस, क्या बना सकते हैं, अमाइंस बन के आगे, ठीक है। तो दीज आर द अमाइंस, समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना आप लोग। तो यहाँ पे चारों मेथड हमने, हमने किसका रिडक्शन किया है बेटा बताओ जरा, अमाइड का किया है, और किसका किया है जरा बताओ, और किसका किया है बताओ जरा, साइनाइड्स का यानी कि नाइट्राइड्स का किया है, और किसका किया है, ऑक्साइम्स का किया है, और किसका किया है, नाइट्राइड्स का। उसमें से एक नेम रिएक्शन सीखने को मिली, वो कौन सी थी, मेंडियस रिएक्शन। अच्छा ये बताओ कि नाइट्राइड के लिए कौन सा हाइड्रोजन एजेंट चाहिए आपको, SnHCl या फिर FeHCl, और ऑक्साइम्स का, और ये अपना लाइक एल्केना नहीं, अमाइड का, एल्केनामाइड का, इनको रिड्यूस करने के लिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और अपना जो लाइक नाइट्राइल जो होता है, CN जो होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एल्कोहल, सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। ये वाइफरिकेशन पता होना चाहिए, आज घर पे जाओगे क्वेश्चन देखना कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें क्या आंसर करना है, समझ गए आप लोग, बताओ। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड के लिए, ये आ गया सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब जो बची है सब इंपॉर्टेंट है, मेरे से कहलवाना मत बार बार, ठीक है ना, जो भी बची है इसके लिए कोई भी डाउट नहीं है, इसमें से कोई भी कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इक्विवेलेंट है। उसमें से पहला हमारे पास आता है कौन सी रिएक्शन बेटा जरा बताओ, हाफ मास ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफ मास ब्रोमाइड रिएक्शंस, ठीक है। आप देखो जरा, हाफ मास ब्रोमाइड रिएक्शंस को एक नाम से और भी जाना जाता है, और वो नाम कौन सा है बताओ बेटा, हाफ मास हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही रिएक्शन होती है, तो हाफ मास हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस और हाफ मास ब्रोमाइड रिएक्शंस, दो रिएक्शंस होती हैं, दोनों रिएक्शंस एक ही हैं, ठीक है। तो अभी देखो जरा, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक रीजेंट यूज होता है, जो कि इतनी सिंपल रिएक्शन है, तो मैंने उसको एक अलग ही नाम दिया, और वो नाम क्या है वो देखो जरा, यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, कभी भी आपको ध्यान इक्वेशन के ऊपर लिखा हो Br2 plus KOH, ठीक है। अगर ये ना लिखा मिले तो, अगर ये लिखा मिले Br2 plus NaOH, तो अगर केमिस्ट्री में किसी इक्वेशन के ऊपर अगर आपको Br2 KOH या Br2NaOH अगर आपको यहाँ पे मिलता है बेटा, तो याद रखना कि सर ने इसे एक अलग नाम दिया है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लैपिंग रीजेंट कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे, क्लैपिंग रीजेंट। अब क्लैपिंग रीजेंट देने का एक वजह थी, और वो वजह क्या थी वो देखो जरा, हमेशा याद रखो कि हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा जब अमाइंस बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एल्केनामाइड, क्या चाहिए होता है, एल्केनामाइड, जो आज हमने सबसे पहले यूज किया था। तो एल्केनामाइड हम जानते हैं, एल्केनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर सी ओ एन एच टू, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी तरफ से, ये बुक्स में मेंशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से काम किया कि एन एच टू ग्रुप को और अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे कुछ मान लिया, जैसे कि ये मेरा यहाँ पे है राइट हैंड, है ना,
और ये मेरा यहाँ पे है लेफ्ट हैंड, समझ गए ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है। अगर यहाँ पे जो रीजेंट यहाँ पे लिया वो क्या नाम है इसका, एल्केनामाइड है ना, ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है जरा बताओ, एल्केनामाइड, क्या ले रखा है बेटा बताओ जरा, एल्केनामाइड। अगर कभी भी इस तरह का कंपाउंड हो और इसके ऊपर यहाँ पे गिब्स आउट के ऊपर यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, बी आर टू और प्लस के ओ एच, तो बी आर टू के ओ एच की खासियत ये होती है कि ये काम एक काम करता है कि अल्काइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप के बीच में जो सीओ ग्रुप होता है इसको यहां से हटा करके अपने साथ ले जाता है। अब क्योंकि ये और ये बचेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब आपस में कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, क्लैपिंग, क्या होगा, क्लैपिंग, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, क्लैपिंग रीजेंट। तो और क्लैपिंग जब होगी NH2 की R से तो जो कंपाउंड यहां बनने वाला है वो क्या बनेगा बेटा बताओ, आर एन एच टू, और बेसिकली आर एन एच टू क्या होता है, अमाइंस। कितना इजी मेथड है, और एग्जाम में अगर आप ये छोड़ के आते हो तो क्या ही है बताओ, कुछ करना है क्या, नहीं करना ना। एल्केनामाइड लेकर के यानी कि अमाइड लेकर के उसकी रिएक्शन किसे करानी है, बी आर टू के से या फिर बी आर टू एन यू एस से, तो क्या होगा, बीच में से ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये यहां से निकल जाएगा और साइड कंपाउंड क्या बनेगा, क्या बनेगा साइड कंपाउंड, साइड कंपाउंड सर यहां रहेगा, एक तो रहेगा के बी आर और यहां पे रहेगा बेटा आपका के टू सी ओ थ्री रहेगा, के टू सी ओ थ्री और प्लस करके यहां पे रहेगा एच टू ओ, ये रहेगा बेटा ध्यान रखना। तो और यहाँ पे ये साइड कंपाउंड है, जो मेन कंपाउंड होगा ना हमारा, मेन कंपाउंड कौन है भाई, प्राइमरी अमाइन, क्या है बेटा, प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे बेटा आपका प्राइमरी अमाइन बन के आ जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन बनाने का ये बहुत ही अच्छा टेक्निक, बहुत ही अच्छा मेथड, और यहाँ पे ये हाफ मैन ब्रोमाइड सभी जानते हैं कि नेम डायरेक्शन तो है ये, और सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन भी है और नेम डायरेक्शन भी है। क्या नाम है उसका, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्केनामाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन Br2KOH से या फिर Br2NaOH से करवाते हैं और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, अमाइन। साइड कंपाउंड क्या रहते हैं, KBr, K2CO3 और H2। समझ गए ना आप लोग, समझ में आया नहीं आया बेटा आपको, बताओ जरा, हो गया ना। अगले मेथड की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नहीं तो कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आप देखोगे, आप जब DBP देखोगे तो इसके भी काफी सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए गैब्रियल थैलामाइड के। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, जो कि आज टाइम हो चुका है तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ कि क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पे जो ध्यान देना है वो क्या है, बस के मेथड तो पूरा हो ही जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो ये ध्यान देना बेटा, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या लिखा है, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। इट मीन्स दैट गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के द्वारा हम केवल और केवल प्योर एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हैं, और आप अमाइंस का कहीं से चैप्टर निकालो, उसके PYQs देखो या उसकी जो भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखो, उसमें जरूर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, यानी कि प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे काफी मेथड नेम रिएक्शन आती है, जैसे कि अपना अभी मैंने पढ़ाया मेंडियस रिएक्शन, और दूसरा नंबर पर हमने क्या पढ़ा, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तीसरे नंबर पर क्या है, गैब्रियल थैलामाइड, चौथे नंबर पे क्या है, सिमेट रिएक्शन, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कार्टियस रिएक्शन। तो कितने रिएक्शन होंगे, पांच नेम रिएक्शन है और पांचों ही घूम फिर के आपके एग्जाम में आती रहती है। मेंडियस बहुत ही कम पूछा जाता है, जब ऑप्शन जो होते हैं तो चार ही ऑप्शन होते हैं, गैब्रियल थैलामाइड होता है, हाफ मैन ब्रोमाइड होता है, सिमेट होता है और कार्टियस होता है। तो ये कार्टियस और सिमेट लगभग एक जैसी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड अलग ही है, उसकी एक स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है, कि वो केवल और केवल एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज होता है, एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज नहीं होता, समझ गए ना आप लोग। और प्योर एलिफेटिक अमाइंस, नहीं ये भी पूरा इनकम्प्लीट है, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, प्योर एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन भी नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बना सकते, दोनों नहीं बना सकते, समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडल,